गली में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल। मेरी गली का लड़का है इसके न्यूज शेर मालेगांव की सारी मसाइल को अपने मोबाइल से अपने कवरेज करके चैनल के ऊपर डालता है और अपनी बात बात लोगों तक पहुंचाता है। इसके न्यूज ये चल रहा है, वहीं पर मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बच्चों की जितनी भी वीडियो उसको थोड़ा सा देखे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कुछ बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक आने से पहले पहुंच जाए। मैं इस प्रोग्राम के जो सदर है पहले इनका होना चाहिए, इस प्रोग्राम के सदर हमारे मुश्ताक भाई दूधवाले, आपका इस्तकबाल हो रहा है, आप सदर हो, आपका इस्तकबाल हो रहा है। उनके बाद फैसल भाई वो भी आ जाए, फैसल भाई वो भी आ गया, उनका भी कलीम भाई की जानिब से उनका भी लोगों के जरिए इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह हाफिज मोबाइल एंड परफ्यूम शॉप नंबर 3 रमजानी मस्जिद कमालपुरा मालेगांव, इत्र परफ्यूम रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिचार्ज पॉइंट दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक। उनका भी इस्तकबाल हो रहा है। उसके बाद जमील मुकादम साहब वो भी आ जाए, ये अदारे के लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं हमारे जमील भाई लेती वाली 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 वो नाम तशरीफ लेकर आ गया, जमील भाई ट्रैक्टर वाले वाले, जमील भाई रेती वाली 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 वाली, इनके हाथों हमारे कलीम भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, भरपूर भर तालियों में इस्तकबाल कर रहे हैं। वही अफजल भाई ट्रैक्टर वाले वाले वो भी यहाँ तशरीफ लेकर आए, अफजल भाई ट्रैक्टर वाले वो भी आ गया, आ गया अफजल भाई ट्रैक्टर वाले वाले। अफजल भाई ट्रैक्टर वाले इनके गुलाब कलीम भाई की हाथों हो रहा है, कलीम भाई की जानिब से जो है तो हमारे सरपंच हबीब खाली साहब उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हबीब खालू साहब का उसके बाद हमारे एक और सरप्रस है बशीर भाई लखनी वाले साहब उनका भी इस्तकबाल, उसके बाद हमारे लल्लू शेर साहब वो भी आ जाए, जावेद हाजी साहब वो भी है उनका भी फूलों के जरिए इस्तकबाल, और नईम भाई किराना वाले वो भी आ जाए, का है नईम भाई किराना वाले वाले। अमजद भाई रेती वाले वो भी आ जाए, आ जाए जल्दी। अब्दुल सत्तार भाई वो भी आ जाए, हमारे नईम भाई वो भी आ जाए, हनी भाई वो भी आ जाए, इस वार्ड इस इलाके के ये तमाम लोग हैं जिनका फूलों के जरिए हम इस्तकबाल किए। असलम साबरी साहब आप भी आ जाए, असलम साबरी साहब का भी फूलों के जरिए इस्तकबाल हो रहा है। ये अदारे 322 ग्रुप के सदर वो भी यहाँ तस्वीर लेकर आए, अदारे 322 और अदारे 54 के नायब सदर रईस भाई वो भी आ जाए यहाँ पर।
अदारे छैया जिन के अपने 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 तौसीफ भाई आप भी आ गए। मैंने सौ किलो दिया, और पहला मुकदमी हमारे नौजवान हिम्मत करने वाला अब्दुल हातिम साहब आप भी आ गया। अब्दुल हातिम साहब उनके जज्बात के लिए मैं चाहता हूँ कि सलीम भाई आप यहाँ भी है। हमारे कलीम भाई मरूम वाले वो भी आ जाए। चलो आज फौरन कलीम भाई मरूम वाले वो भी जल्दी से आ जाए, उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा मानव सेवा चैनल से जो है तो हमारे असलम साबिर साहब ने इस्तीफा दे दिया, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐलान कर दिया। माजरा चाहता हूँ मानव सेवा चैनल जो असलम साबिर साहब चला रहे थे उनको इस्तीफा दे दिया। ये कलीम भाई मरूम वाले हमारे गबिया भाई वो भी आ गया। ये सारे जो आड़ नाम होते हैं ना तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है माइक से नाम लेने की, किसी को आड़ नाम अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है। हम छोटे हैं ये सब नाम लेना मुनासिब नहीं, अगर उनका सही नाम आ जाए तो बेहतर होगा। अब आखिर में मैं चाहता हूँ हमारे उम्मीदवार जो है अलीम भाई चायपत्ती वाले के छोटे भाई अलीम भाई रिप्पी वाले ट्रैक्टर वाले वो भी यहाँ तस्वीर लेकर आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे हबीब खालू साहब के हाथों अलीम भाई का फूल हार दिया जाए। आज हबीब खालू साहब और अलीम भाई दोनों के हाथों अलीम भाई का ये स्वीकारी साहब भी आ गया। रसीम भाई वो भी आ गया। यहाँ पर कलीम भाई के जो भाई है रसीम भाई वो भी आ गया। सलीम लिम लिम हमारे सलीम आजी साहब होटल वाले उनका भी फूलों के जरिए इस्तेमाल किया जाए। कि चक्कर में हज कमेटी के कार्टून और कोट के आजी साहब के लिए शेर है तो चक्कर में हज कमेटी के कार्टून और कोट के इंसान मैं उठाऊं किसी की सपोर्ट की भाई यार अब तू मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस हरदिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट की। महान अल्लाह। तो चक्कर में हज कमेटी के पार्टी में वोट के एहसान क्यों उठाऊं किसी की सपोर्ट के यार तू मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। आखिरी फिलहाल के लिए मैं हमीद भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आ जाए और कलीम भाई चायपत्ती वाले साहब के हाथों उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। कलीम भाई छोटा हाथी वाले वो भी यहाँ पर आ गया। कलीम भाई छोटा हाथी वाले वो भी आ जाए, इनका भी फोन आ रहा है। अदारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सब जो है हमीद आजम वो भी आ जाए, हमीद आजम साहब वो भी आ जाए। गुलाम तो पूरा ग्रुप का करना है तो कौन है गुलाम ग्रुप ये हमारे गुलाम ग्रुप के एक जिम्मेदार एक सदर आरिफ भाई वो भी आ जाए, जाबिर भाई को भी आ जाए।
चलो जल्दी आ जाए आरिफ भाई। आज के इस मीटिंग के सदर मुश्ताक साहब और 204 के जिम्मेदारान, 194 के जिम्मेदारान और इस इलाके के जिम्मेदारान और तमाम दोस्तों बुजुर्गों साथियों, आज का ये मीटिंग लेने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन के ताल्लुक से ये मीटिंग इन्हें रखी गई है। यहाँ से आने वाले वक्त में मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ और मेरी उम्मीदवारी इस वार्ड के लोगों ने मुझको उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी मुझको करवाने के लिए इनका मकसद, जो मकसद है इनका, यहाँ पर ये लोग कई सालों से, कई बरसों से रहते हैं और मैं भी इस इलाके में रहता हूँ। यहाँ पर जो भी उम्मीदवार यहाँ से चुनकर गया इससे पहले, कुछ लोगों ने तो अपना चेहरा ही नहीं बताया और कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ काम हमारे वार्ड से शकीर मिंबर ने किया, अगर वो शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब की छत्र छाया में अगर नहीं आते तो उनका भी नहीं चेहरा दिखता और वो भी नहीं काम करते। उन्होंने काम किया तो शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब के छत्र छाया में आए तो उनको कुछ काम करने की मौका मिला। क्यों कि जो हमारा लीडर है शेख रशीद, हमारा लीडर है शेख आसिफ, ये जमीन पे काम बताने वाले लीडर है, ये काम लेने वाले लीडर है, इसलिए उनको ये मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी ये जो वार्ड है तमाम तकलीफों से, तमाम परेशानियों से आज भी मुकाबला कर रहा है। आज भी उनकी राहत जो उनको मिलना चाहिए ऐसा उनको वो काम नहीं मिला और वो तकलीफ से गुजारा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बदलाव चाहा, एक बदलाव चाहा कि अब बदलाव आना चाहिए। अब जो लोग हैं समझ लो कि जो हरकत किए, जो हमारे साथ हैं समझ लो कि मजाक ने उड़ाए, अब हम ऐसे उम्मीदवारों को नहीं पसंद करेंगे। अब हमें नवा उम्मीदवार चाहिए और काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझको चुना है और मैं उनकी जो उम्मीद है मुझसे, जो उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाया है, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझको चुन कर लाया तो आप लोगों ने जो भी मुझसे उम्मीद लगाया है मैं वो उम्मीद पर खरा उतरूंगा और ईमानदाराना तौर से जो मुझको अल्लाह ने इज्जत दिया, आप लोगों का साथ से जो मुझे इज्जत मिली, मैं वहाँ पर कॉर्पोरेशन में गया तो जो मुझको ने समझ लो कि वहाँ से जो फंड मिलेगा मैं ईमानदाराना तौर से इस वार्ड में लगाऊंगा और इस वार्ड का काम करूंगा। गटर, रोड, लाइट, सिर्फ एक कारपोरेटर का सिर्फ इतना ही काम नहीं रहता है, ये तो उसका कमाल नहीं रहता है, उसको तो वो फंड मिलता है। एक कारपोरेटर की, एक नगर सेवक का काम ये है कि वार्ड का, नगर का सेवक रहता है वो, तो जो तकलीफें जो इस वार्ड के लोगों को होती है, जैसे पुलिस स्टेशन का मामला हो, अपने दवाखाने का मामला हो, ऐसी कोई भी तकलीफ परेशानी वो नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी तकलीफों को दूर करे और उनके साथों साथ उनके सुख दुख में रहे। लेकिन ये वार्ड इतना बदनसीब वार्ड है कि ये वार्ड को काम तो मिला नहीं, कॉर्पोरेशन से जो फंड का काम वो तो मिला नहीं, ये सब चीजों से भी ये वार्ड महरूम रह गया क्योंकि उन्होंने कोई कॉर्पोरेटर का चेहरा ही नहीं देखा, कोई कारपोरेटर का चेहरा नहीं देखा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुने और इन्हें अपने जो भी मसाइल है वो मसाइल लेने रखो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपके सुख दुख में मैं आप लोगों के साथों साथ रहूँगा। मैं ऐसा
आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई भी कोताही हुई तो आप मेरे घर पर आके मेरी गलती पकड़ सकते हैं कि तूने हमसे ये वादा किया था। पहले तो आए चिटिंग बाजी करके चले गए, तू भी ने समझ लो कि वो चिटिंग कर रहा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बोलने का मौका नहीं दूंगा और मैं आप लोगों के सुख दुख में आप लोगों के साथों साथ रहूंगा। आप लोग मेरा साथ दे और मैंने आप लोगों को ये उम्मीद करने दिलाता हूँ। इतना ही बोल के मेरी दो बात खत्म करता हूँ। ये तो हमारे अपने उम्मीदवार कलीम भाई चाय पत्ती वाला साहब जो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। अब मैं सदर साहब की इजाजत से आज की मीटिंग यहीं पर मुलतवी होने का खत्म होने का ऐलान करना चाहता हूं। अगर सदर साहब इजाजत दें तो एक मरतबा खड़े होकर बोल दें कि इजाजत है मीटिंग खत्म होने, बस सिर्फ इतना बोल दें। इनका भी जरा फुलार होना चाहिए ना, सबका फुलार ऐसा नहीं अभी फालू के आते हैं फालू से स्वागत होना चाहिए। मैं सदर साहब आज ये हमारे मुश्ताक भाई दूध वाले की इजाज़त से आज की मीटिंग यहीं पर मुलतवी होने का ऐलान करता हूँ। सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है।